सिटी खास करी जो भारत मंडप रही प्रगति मैदान रोड टू नहीं कि वीवीआईपी मूवमेंट जो हम से सब रूट उपर सीसीटीवी फुटेज एटी आसुची ये होची 24 घंटिया कंट्रोल रूम एनडीएमसी एवं सीधा सल से दिल्ली ट्राफिक पुलिस कहतु अग्निशम विभाग कहतु दिल्ली पुलिस कहतु समस्त सहित कोऑर्डिनेशन रक्षा करके कार्य कर G20 जो सुंदरीकरण होती दिल्ली में सुंदरीकरण कार्य एनडीएमसी ही हाथ को नहीं था प्रति जगह को सुंदरीकरण करोटी फूल गछ लगे कौटी स्टाच्यू लगे कौटी एलईडी लाइट लगा जाएगी से समस्त कार्य एनडीएमसी को बहुत सुंदर भाव में करछि एवं ये हूँ सब रूट्र आप देखिपे सब रूट्र एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जोटी को 24 घंटिया मॉनिटरिंग करछन्ति कौन सी जगह जदि कौन सी त्रुटि देखा जिवो कौन सी ट्राफिक असुविधा होछि कौटी वाटर लगिंग होछि कौन सी जगह जदि एक्सीडेंट किछि कथा सामना करछि जीरो टाइम से जीरो टाइम रेस्पोंड करबा पई फोन आसिया पई जते कि टाइम सेते कि टाइम से नेबे एवं तुरंत इमीडिएट बेसिस रे केमति एक्शन से फोकस कर सीधा साल आलोचना करवा वाइस चेयरमैन नाम सहित सतीश उपाध्याय जोड़ी होती सर जो आपने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं विद इन जीरो टाइम आप रेस्पॉन्ड करेंगे अभी लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे शेयर करना चाहेंगे सी देखिए लेटेस्ट है कि G20 हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है इसलिए हमारा ये 24/7 365 डेज यहाँ इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हम अपनी सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं और सर्विसेज मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का डिपार्टमेंट है चाहे गार्बेज क्लियरेंस करना है उसका डिपार्टमेंट है हेल्थ का डिपार्टमेंट है ग्रीनरी है हमारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं उसको मॉनिटर करना है पार्किंग मैनेजमेंट को मॉनिटर करना है तो वो सारा का सारा हम यहीं से मेंटेन करते हैं और हमारा जीरो रिस्पांस टाइम है। जीरो रिस्पांस टाइम का मतलब है कि हमारा एक कमांड सेंटर से एक हमने ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर अलग से बनाया है ओनली फॉर G20 वो हिमायू रोड पर है जहां नोडल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इंट्रा डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका फ्लो चार्ट बना हुआ है 6 आवरली ऑफिसर्स वहां ड्यूटी पर जाते हैं और 3000 लोगों की टीम है जिनको स्पेशल यूनिफॉर्म दी है वो साइट पर हैं और वो सभी कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा हॉटलाइन है पुलिस के साथ हमारा हॉटलाइन है बाकी जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फायर डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट है एमसीडी है इन सभी के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। बात जानना चाहेंगे सर अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आता है मान लीजिए कि राजस्थान से बहुत ऐसे देखा जाए कि धूप आ जाता है आंधी आ जाता है और दूसरी बात यह है कि जब बारिश होता है दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा झेलने पड़ता है लोगों को वाटर लगिंग भी बहुत जगह पे होता है मेन हो गया नेचुरल कैलामिटी अगर कोई आप फेस करते हैं उसको कैसे निपटाएंगे उसके लिए क्या तैयारी हुआ है। देखिए इसलिए हमने कहा ना कि हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाया हुआ है जिसके पास इक्विपमेंट भी है जिसके पास व्हीकल्स भी हैं और जिसके पास स्पेशलाइज्ड लोग भी हैं जो इस सारे मान लीजिए बहुत तेज आंधी आ गया हमारे जो बिलबोर्ड लगे हुए हैं हमारे 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 वेलकम बोर्ड्स लगे हुए हैं तो उनको रेक्टिफिकेशन के लिए इमीडिएटली यहां से मैसेज जाएगा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जाएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर से जाएगा वो लोग ऑन द स्पॉट वहां उन चीजों को ठीक करेंगे। आप यहां पर देखेंगे कि हमारा ये कनॉट प्लेस का एरिया सामने अगर देख रहे हैं तो कितना ट्रैफिक का मूवमेंट है ये आपको सामने दिखाई दे जाएगा। हमारा जो पार्किंग मैनेजमेंट है कि हम पार्किंग कहां पर कर रहे हैं कितनी व्हीकल्स हैं एक बार पार्किंग दिखाइएगा कहां पर है पार्किंग अगर हमारे को यहां कितनी गाड़ियां कहां पार्क हो सकती हैं आप ये सारा का सारा आप देखिए ये मैनेजमेंट देख सकते हैं कितना है पूरा किस तरीके से ये हमारा एक चार्ट है जिसमें अब डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड में सारी सर्विसेज की डिटेल यहां पर आती रहती है ट्रैफिक का मूवमेंट आप यहां से देख सकते हैं। एक बार पार्किंग दिखाइए जरा पार्किंग कोई हाँ पार्किंग दिखाइए तो यहाँ पार्किंग हम देखिए अभी हमारा पार्किंग लॉट है इस पार्किंग लॉट में कितने व्हीकल्स हैं कितने व्हीकल्स खड़े हैं फिर आप व्हीकल नंबर भी यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है किस नंबर की गाड़ी है। क्लैरिटी के साथ जो पिक्चर मिल रहा है ये क्या हाई कुछ हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं और 450 कैमरा इसमें लगा हुआ है जिनको आप देख सकते हैं अगर कोई गलत नंबर की भी गाड़ी होगी तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अगर रॉन्ग पार्किंग होगा तो रॉन्ग पार्किंग को भी आप देख सकते हैं। ये हमारा मेट्रो का स्टेशन है मेट्रो स्टेशन से कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं इसको भी हम यहां से मॉनिटर कर सकते हैं। हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है वो गार्बेज हमारे यहाँ अंडरग्राउंड बिन्स है हमारे यहाँ गाड़ियां हैं गार्बेज का भी एक बार दिखाईगा तो गार्बेज में ये हमारा डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर के जो बिन्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं जो रेड कलर के बिन्स हैं
इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो हमारी गाड़ी जीपीएस के साथ है, गाड़ी को हम ट्रैक कर लेते हैं, वो यहाँ जाएगी, सिस्टम एसएमएस अलर्ट आएगा और ये सारे के सारे बिन्स क्लियर होंगे। ऐसे ही हमारे पास 90 हॉट बिन्स हैं, जैसे हमारे 12 होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, जहां मल्टीपल टाइम हमारी गाड़ी जाती हैं और इनको क्लियर करके आती हैं। हमारा लाइटिंग मैनेजमेंट है, अब ये बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्ड्स को आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो राउंड अबाउट हैं, ग्रीनरी है, ये सारा का सारा मान लीजिए आंधी में हिल जाता है तो इसको हमारा जाएगा और वहां से जाकर के ठीक कर देगा। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट हम यहाँ से, हमारे फ्लैग्स हमने लगाए हैं, कितना ब्यूटीफुल हमने इसको किया है, तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट, हमारी लाइटिंग है, 16,000 लाइट हैं, उन लाइट्स को भी हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा स्काडा सिस्टम हमारे यहाँ लगा हुआ है और उस सिस्टम से पार्किंग मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट, और अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट्स भी यहां पर आ जाते हैं, कोई बहुत सारी गाड़ी आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसको भी हम यहां से मॉनिटर करके पुलिस को चाहेंगे। डॉग स्क्वाड तो ऑलरेडी है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में भी मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए कोई मूवमेंट पे डॉग या काव हो, गाय, भैंस या बंदर, दिल्ली में तो बहुत से ऐसे एरिया है, फॉस एरिया में भी बंदर है, उनके लिए सर क्या तैयारी? देखिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए हम लोगों ने बहुत अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और यहाँ के जो एनजीओज हैं, जो लोग स्ट्रे एनिमल्स को फीडिंग करते हैं, उन सबके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उनको नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। रिज एरिया में कुछ मंकीज हैं जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको फूड नहीं मिलता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनको एनफ फूड अंदर ही मिल जाए जिससे उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर रोड पे स्ट्रे एनिमल्स आ जाता है तो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो व्हीकल्स के साथ हमेशा रहते हैं और उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो ले जा सकते हैं उनको। कंट्रोल रूम 24/7 कितने मेंबर्स? ये 50 लोग इसमें काम कर रहे हैं, दिस इज 24/7 365 डेज। ये 3 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं और इस भाई एज अ थर्ड आई स्पेशल फोकस है हमारा इस G20 के लिए। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर हमने हिमायू रोड पर बनाया हुआ है जहां पर सारे डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट सभी मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ इस G20 समिट को कैसे शानदार हम संपन्न कराएं। गमले के लिए कुछ स्टॉक सर रखे हैं क्या? अगर कोई हमने लगभग 1,00,000 गमले पूरे NDMC एरिया में लगाए हैं, हमने लगभग 10,00,000 कटिंग, हमारे पास हाईटेक नर्सरी है जहां हमने 10,00,000 प्लांट तैयार किए थे, लगभग 45 से 50,00,000 श्रब्स जो छोटे पौधे हैं वो हमने ग्रीन बेड बनाने के लगाए हैं, 32 रोड हमारी ऐसी हैं जिन रोड्स पर हमने इनको पूरा ग्रीन कवर दिया है, हमारे पास 20 लोकेशन ऐसी हैं जहां हमने स्कल्पचर्स लगाए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री निवास की तरफ देखेंगे लोक कल्याण मार्ग पर, वहां पर संगमरमर के बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, हमने बहुत सारे फाउंटेन्स लगभग 11 से 15 लोकेशंस पर लगाए हैं। ये जानना चाहेंगे, क्रेडिट की लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया में, जितने मीडिया में नहीं है उतने सोशल मीडिया में, केजरीवाल जी की बात की जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए, NDMs की बात की जाए, उस पर क्या टिप्पणी देना? मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार मिली है जो गवर्नमेंट विदाउट गवर्नेंस है, जिसको गवर्नेंस नाम का कोई जीरो कुछ नहीं है। मैं क्रेडिट की जहां तक बात करूं, NDMC 24/7 और स्पेशली दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें पिछले 1 साल से हम लोग लगे हैं। हमने बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए, ट्यूलिप फेस्टिवल किया, फूड फेस्टिवल किया, फ्लावर फेस्टिवल किया, म्यूजिक इन पार्क किया, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन किए, मार्केट एसोसिएशन के साथ हमने मिलकर के इवेंट्स किए। एक भी इवेंट्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो यहां से चुने हुए हैं, 7 साल उनको हो गए, किसी प्रोग्राम में वो आए नहीं। नंबर 2, हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की कुल मिलाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ लगभग 100 से ज्यादा मीटिंग हुई होंगी G20 के लिए, एक भी मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की है। वो यहां से मुख्यमंत्री और चुने हुए विधायक हैं, एक भी रुपए का बजट भी केजरीवाल ने आज तक यहां पर G20 के लिए नहीं दिया। इतना ही नहीं, कभी भी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई कभी लेटर लिखकर भी कोई सजेशन भी अगर दिया हो तो क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं है, जिसने कोई काम ही नहीं किया वो क्रेडिट क्या लेगा। लेकिन उनकी आदत है, उनको ये बार बार परसेप्शन दिखाने की जरूरत है। उनकी 2-3 दिन से कुछ मंत्री निकल करके रोड पर जा रहे हैं जहां CPWD में उन्होंने कुछ काम किया होगा कि देखिए ये सारा कुछ हमने किया है। मैं प्रमाणिकता से बोल रहा हूं, एक भी मीटिंग, एक भी प्रोग्राम, एक रुपए का बजट NDMC के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ये समय देश के लिए राजनीति करने का नहीं है,
चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो और चाहे G20 हो, ये समय राजनीति का नहीं है। अतिथि देवो करके और अतिथि देवो भव, ये जो अतिथि देवो भव का जो हमारे कौन जो वासुदेव कुटुंबकम की जो हम बात कर रहे हैं, इस समय है देश के लिए काम करने का, देश के लिए खड़े होने का। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से G20 समिट संपन्न होगी। आपण शुणुले सतीश उपाध्याय आम सहित जोड़ी होते जे कि पूरा डिटेल भाव में तथ्य रखुले कि भाव काम करमवर्क से विश्वास कर प्रति मुमेंट को नजर रखते। कैमेरा पर्सन नीरज सेदगन अर्गस न्यूज।